वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ एडम स्मिथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट को समझेंगे। एडम स्मिथ के जो पर्सपेक्टिव्स है, थ्योरीज़ है, उसमें जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फोर पॉइंट्स हम कवर करेंगे, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन जिस फॉर्म में होता है उन चीज़ों को हम एडम स्मिथ की थ्योरी में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। रेंट के ऊपर जो एडम स्मिथ का आइडिया है, स्मिथ का जो आइडिया है वो इतना वेल फॉर्म नहीं है, बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और इतना उसका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमिस्ट, जैसे रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट है या फिर अदर इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ रेंट है। उसके कंपैरिजन में एडम स्मिथ की जो रेंट पॉलिसी है, रेंट थ्योरी है, वो कंपैरिजन थोड़ी अच्छी नहीं मानी गई है। कुछ इन्होंने मॉडर्न व्यू पॉइंट अपनाए हैं रेंट थ्योरी के अंदर, इस कारण से उनकी जो थ्योरी है वो एक तरीके से होपलेस मानी गई है, एक नॉट डिफाइंड नहीं मानी गई है, क्लियरली कुछ स्टेट नहीं कराया गया उसके अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे देखा गया है। सो इसमें पॉइंट क्या कहता है, रेंट जो है एक तरीके से क्या कंसीडर करता है, ये वाला वो जो पॉइंट है, रेंट कंसीडर करता है मोनोपोली प्राइस जो पे की जाती है लैंडलॉर्ड को। क्यों? क्योंकि उसका हमने लैंड यूज़ करा, और फर्टिलिटी और सिचुएशन से अलग माना, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी अलग होती है, लैंड की सिचुएशन अलग होती है। लैंड की फर्टिलिटी लैंड की सिचुएशन पर डिपेंड नहीं होती, लैंड की फर्टिलिटी उसके सॉइल पर होती है। तो एक तरीके से रेंट को जो है वो मोनोपोली प्राइस है। मोनोपोली प्राइस क्या कंसीडर करा है, इसलिए कंसीडर करा है क्योंकि लैंडलॉर्ड की जो वांट होती है जिस प्राइस की, उस प्राइस को यहाँ पे करा जाता है। तो मोनोपोली प्राइस ये ऐसी मोनोपोली प्राइस एक ऐसी प्राइस मानी गई है जो लैंडलॉर्ड को दी जाती है उसके कहने पर, और उसकी जो जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस दी जाती है। लैंडलॉर्ड को प्राइस का जो फॉर्मेशन है वो एक गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन नहीं होता, उस चीज़ को लैंडलॉर्ड की डिमांड पर ही प्राइस यहाँ पे दी जाती है। तो रेंट क्या है, एक मोनोपोली प्राइस है जो पे की जाती है लैंडलॉर्ड को फायदा यूज़ ऑफ लैंड और फर्टिलिटी और सिचुएशन से अलग मानी गई है। इसमें आइडिया ऑन रेंट वर नॉट वेल फॉर्म, या पॉइंट यहाँ पे स्टेट करता है कि जो रेंट का जो आइडिया स्मिथ का वो अच्छा नहीं माना गया। कुछ प्लेसेस पे इन्होंने मॉडर्न व्यू पॉइंट अपनाए हैं रेंट के। सो एक तरीके से इन्होंने फिजोक्रेटिक जो नोशंस है, फिजोक्रेटिक्स होते हैं उनके जो थ्योरीज, उनके थॉट है, उसी को यहाँ पे उसी पॉइंट को लेकर इन्होंने यहाँ पे अपना पॉइंट दिया है रेंट के ऊपर। लेकिन रेंट इन्होंने कोई क्लासिकल व्यू पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया गया। स्मिथ का जो व्यू पॉइंट है रेंट के ऊपर फिजियोक्रेटिक इन्फ्लुएंस है, मतलब जो फिजियोक्रेटिक थ्योरीज को समझकर कि रेंट एक गिफ्ट है जो स्पेशल नेचुरल पावर से ऑफ सॉइल से दी जाती है, ये भी इन्होंने कंसिडर करा है रेंट की थ्योरी के अंदर कि रेंट एक तरीके से गिफ्ट है जो स्पेशल नेचुरल पावर्स ऑफ द सॉइल की वजह से दी जाती है, यानी कि नेचुरल सॉइल जितनी अच्छी होगी वहाँ पर रेंट उतना अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ को इन्होंने बताया है। और इन्होंने नेचुरल पावर की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे ज़्यादा बताया है फिजियोक्रेटिक थ्योरी से इंस्पायर होकर। सो रेंट इनके अकॉर्डिंग क्या, रेंट का मतलब जो गिफ्ट मिलता है नेचुरल पावर से, जो उस गिफ्ट है सॉइल का, सॉइल को जो रिवॉर्ड दी जा रहा है वही यहाँ पे रेंट माना गया। इन मैन्युफैक्चरर्स मैन वर्क विदाउट एड ऑफ नेचर, हैंस द रेमुनरेशन जस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो मैन जो वर्क करते हैं विदाउट एड ऑफ नेचर, नेचर से रिलेटेड, उनको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेमुनेशन मिलता है। ये भी एक रेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में माना गया है कि रेंट क्या है मैन्युफैक्चरिंग में, एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कवरेशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करा गया है, दैट इज़ अ रेंट। इसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर के पॉइंट में भी
नेचर का सपोर्ट बताया है कि एग्रीकल्चर में भी रेंट मिलता है नेचर के सपोर्ट से। और ये ऑब्वियसली बात क्लियर है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा पॉइंट है जो नेचुरल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो रेंट मिलता है लैंड का वो एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी और स्पेशल सरप्लस जो मिलता है वो सॉइल की क्वालिटी से मिलता है। जो जितनी भी सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी द फर्टिलिटी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा और लैंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर कर लेगा अपने प्रॉफिट के अंदर। तो एक लैंड का जो रेंट है वो सॉइल की फर्टिलिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ही मिलता है। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर में उन्होंने बताया कि नेचुरल एक्टिविटी में एग्रीकल्चर यहाँ कंडक्ट की जाती है और उस एग्रीकल्चर के अंदर जो वेजेस जो रेंट दिया जाता है लैंड का वो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर ही दिया जाता है और वो इतना अच्छा प्रॉफिट होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर कर लेता है। वेजेस की थ्योरी एडम स्मिथ की कंफ्यूजन वाली थ्योरी मानी गई है। इन्होंने इस चीज़ को कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले कुछ इन्होंने पॉइंट्स डाले हैं। डिमांड एंड सप्लाई का पॉइंट जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वेजेस की वो कन्फ्यूज्ड वाली थ्योरी है और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो भी उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके जो फिजोक्रेट्स थ्योरी है उनसे ही इन्फ्लुएंस होके इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रोवाइड कराया। इनफैक्ट ही हैड थॉट ऑफ प्रैक्टिकली ऑल द थ्योरीज डैट हैव बीन एम्फसाइज बाय लेटर इकोनॉमिस्ट। इनकी थ्योरी कन्फ्यूजन वाली कब मानी गई, जब इनकी थ्योरी को प्रैक्टिकली लेटर जो बात की इकोनॉमिक्स है उन्होंने यूज़ करा तब इस चीज़ को माना गया कि एडम स्मिथ की जो वेजेस की थ्योरी है वो थोड़ी कन्फ्यूज है। एडम स्मिथ ऑल्सो इंडिकेट्स अ वेजेस फंड थ्योरी बाय स्पीकिंग ऑफ फंड प्रीडेस्टिनाइड प्रीडेस्टिनाइड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। हाउएवर ही डज नॉट एलोबरेट द आइडिया फर्दर। इन्होंने वेज फंड थ्योरी भी आउटलाइन करी अपनी थ्योरी के अंदर। वेज फंड थ्योरी के बारे में भी इन्होंने बताया है और पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बताया, लेकिन क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन नहीं करा कि पेमेंट ऑफ वेजेस कैसा होना चाहिए। इन्होंने उसके अलावा एक आइडिया एलोबरेट नहीं करा अपनी थ्योरी के अंदर कि वेजेस का पेमेंट किस तरीके से आप क्लियरली कर सकते हैं। सो इन्होंने वेजेस की थ्योरी के बारे में बताया लेकिन वेजेस के पेमेंट के बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दे रखा है। ही टॉक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये वाला पॉइंट आता है। इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में बात करा है, वेजेस के बारे में बताया इन्होंने और सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में इन्होंने बताया कि जो जितनी ज़्यादा सप्लाई लेबर की बढ़ेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे वेजेस लेबर की आती रहेगी और वेजेस वर्कों को मिलेगी। तो एक तरीके से इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर के अंदर इन्होंने वेजेस की कुछ बात करी है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर से डिपेंड करता है और मार्केट की करंट प्राइस से डिपेंड करता है। जितना मार्केट की करंट प्राइस अच्छी होगी कमोडिटीज़ की, जितनी अच्छी प्राइस होगी, जितना लोग परचेस करेंगे उतना ज़्यादा वेजेस यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और लेबर को दिया जाएगा। इस चीज़ के अंदर इन्होंने इस पर बात करी है। लास्ट इन्होंने प्रॉफिट और इंटरेस्ट के ऊपर टॉपिक पे बात करी है। प्रॉफिट क्या है, एक रिटर्न ऑफ कैपिटल इनके अकॉर्डिंग, और इंटरेस्ट एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो आपने कैपिटल लगाया उसी कैपिटल से कैपिटल फॉर्मेशन ही प्रॉफिट माना जाता है। इनकी थ्योरी में इंटरेस्ट को प्रॉफिट का पार्ट बताया गया है जो ओनर को पे करा जाता है और कैपिटल बोरो पे, यानी कि जो जो कैपिटल बोरो की जाती है उसके ऊपर ओनर को यहाँ पे करा जाता है। ब्रिस्क बिजनेस कंडीशन, ब्रिस्क यानी कि ये माना गया जैसे फास्ट बिजनेस कंडीशन है जो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसकी बात करी गई इन्होंने कि कॉम्पिटिशन में प्रॉफिट लो रहता है। और ये ऑब्वियसली क्लियर है कि अगर बहुत फास्ट यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहेगा मार्केट में तो प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो लो रखेंगे कॉम्पिटिटर, क्योंकि उनका मेन एम होगा सेल्स इंक्रीज करना भले ही प्रॉफिट को कम करके। तो प्रॉफिट लो यहाँ पे प्रेफर करा जाता है और वेजेस यहाँ पे बढ़ी जाती है और वेजेस भी दी जाती है लेबर को, क्योंकि ज़्यादा लेबर काम करते प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और कंपटीशन अच्छा है तो प्रोडक्ट को सेल करने पे मोटिव ज़्यादा होता है, ये प्रॉफिट को लो रखते हैं। लेकिन अगर स्लैक कंडीशन की बात की जाए बिजनेस में, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है या बहुत कम है, तो इस चीज़ का बिल्कुल अपोजिट होता है कि प्रॉफिट हाई रखा जाता है और वेजेस कम दी जाती है। यहाँ वेजेस कम मतलब लेबर काम करते हैं, कम काम करते हैं, प्रॉफिट हाई रहता है। वेजेस डिक्रीज एंड प्रॉफिट वेंट अप, इस पॉइंट को भी इन्होंने समझाया है, क्योंकि प्रॉफिट का एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल का रिटर्न है,
फास्ट कंडीशन में जो बिज़नेस की है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, जो जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर ध्यान ना देकर सेल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लो प्रीफर करा जाता है, लो प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते हैं और वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। और यहाँ पे अगर लो कंडीशन ऑफ कंपटीशन माना जाए तो यहाँ पे वेजेस कम दी जाती है वेजेस, और यहाँ पे प्रॉफिट हाई रखा जाता है। क्योंकि एक तरीके से लो कंडीशन में, लो कंडीशन या स्लैक कंडीशन ऑफ कंपटीशन में कंपटीशन कम रहता है मार्केट में, सेलर्स कम रहता है, तो इस कारण से वेजेस भी डिक्रीज हो जाती है, लेबर की लेबर यहाँ पे कम रहते हैं और एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इन्होंने इस थ्योरी को यहाँ पे समझा है। फर्स्ट हमने बात करी रेंट की, सेकंड वेजेस की, थर्ड हमने प्रॉफिट और फोर्थ इंटरेस्ट की। कंक्लूजनली इन्होंने रेंट और वेजेस की थ्योरी प्रॉपरली डिफाइन नहीं करी है, और प्रॉफिट इंटरेस्ट की थ्योरी में कुछ इन्होंने बातें बताई है, वो चीज़ आज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। थैंक यू।